नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, किसान के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही हम आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। इसलिए आज 22 तारीख है और समाजवादी पार्टी का जो नारा रहा 22 में 22 स्किल नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले रोजगार मिले उसके लिए सरकार काम करेगी। कहा कि समाजवादी सरकार में विकसित SCL कैंपस में 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं। बड़े पैमाने पर छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उन्हें लैपटॉप दिया गया था। आप जब गांव में जाएंगे तो आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा। अगर आप देखें और लैपटॉप से क्या क्या रोजगार और नौकरी मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में जब सरकार बनी तो 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में सीधे सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। लखनऊ स्थित चकंदरिया फॉर्म में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था। समाजवादी सरकार में आईटी सेक्टर में हुए कार्य को अगर आगे बढ़ाया गया होता तो लखनऊ आईटी हब के रूप में जाना जाता। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ किसान के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। फिर लैपटॉप को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी ने बच्चों को पढ़ने के लिए जो आगे की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं उनको लैपटॉप से मदद करने के लिए लैपटॉप दिया जाएगा और वो स्कीम ऐतिहासिक स्कीम थी। बड़े पैमाने पर नौजवानों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया गया था और आज भी इतने वर्षों के बाद जब हम लोग गांव में जाते हैं किसी मोहल्ले में जाते हैं तो वो लैपटॉप देखने को मिलता है। एक एक लैपटॉप की एक कहानी है। अगर हम पूरा देखें कि उस लैपटॉप से क्या क्या पढ़ाई में या रोजगार में या नौकरी में मदद मिली है, एक एक लैपटॉप की अपनी कहानी है। परिवार में किस तरीके से न केवल बच्चे ने, बहन ने, भाई ने, परिवार के सब लोगों को मदद मिली है। और जिस समय लॉकडाउन लगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत सब ऑफिस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, मुझे खुशी इस बात की बहुत सी जगह से जानकारी मिलती थी कि समाजवादी सरकार का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है और हमारे काम आ रहा है। समाजवादी सरकार थी तो आईटी सेक्टर में क्या बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए रास्ता बनाया था। चक गजरिया फार्म में SCL का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आया था और SCL इन्वेस्टमेंट के आने से लखनऊ जैसा शहर आईटी हब के नाम से भी जाना जा सकता था अगर इस काम को और आगे बढ़ाया जाता। जितना समाजवादी सरकार में उस समय काम हुआ था उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया। केवल SCL कैंपस में लगभग 5000 से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिला है। जो डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं SCL कैंपस में वो 5000 से ज्यादा हैं। उसके साथ कितनों को और नौकरी रोजगार मिला होगा उसकी संख्या भी नहीं कैलकुलेट हुई है, लेकिन कैंपस में आज अगर हम जाएं और आकलन करें तो 5000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली हैं, डायरेक्ट रोजगार मिला है और ये क्वालिटी नौकरी है, क्वालिटी जॉब है, प्रोफेशनल्स हैं इसमें और जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर्स हैं जो कई सालों की ट्रेनिंग अनुभव है वो लोगों को नौकरी मिली है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ करके आए हैं वो नौकरी कर रहे हैं और जिसमें इंजीनियरिंग पास वाले बच्चे जो आज हैं उसमें वो लगभग 3500 हैं जिन्होंने BTech की डिग्री हासिल की है वो नौकरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ खुशी ये है कि जिले के आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी नौकरी मिली है, चाहे वो लखनऊ हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो। और इसके साथ साथ 12th पास कर करके जो आज कोर्सेज हैं जिससे वो नौकरी और रोजगार मिल सकता है वो भी 12th पास करने वालों को ट्रेनिंग मिलती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है
और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी मिलना। ये SCL कैंपस केवल एग्जाम्पल है और मैंने कई और जो उदाहरण भी दिए समाजवादी सरकार में जिसमें नौकरी मिली और रोजगार मिला है लोगों को। हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग बरेली के झुमके की बात करते हैं वे बताएं कि बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया गया। नया कारखाना या नया कोई उद्योग आया हो तो मुझे बताएं। उत्तर प्रदेश में IT हब कई जगह बन सकते हैं। बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में बन सकता है, नोएडा तो पहले से ही है। उन्होंने कहा कि जिस समय लॉकडाउन लगा समाजवादी सरकार के दौरान दिया गया लैपटॉप बहुत लोगों के लिए काम आया। 2022 में सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर छात्रों को लैपटॉप दिया गया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है? पीलीभीत में क्या आया है? बदायूं में क्या दिया सरकार ने? फिरोजाबाद में क्या किया? रामपुर में क्या किया? मुरादाबाद में क्या नया किया? सहारनपुर में कौन सा बड़ा फैसला ले लिया? मुजफ्फरनगर में कौन सा नया कारखाना लगाया? गाजियाबाद के कारखाने बेच दिए, बंद हो गए, खत्म हो गए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है? क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।